और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, आतंकी मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड और सबसे करीबी आतंकी दाऊद मलिक की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर का सबसे खास और सबसे करीबी आतंकी दाऊद मलिक की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में आतंकी को मार गिराया गया। भारत के दुश्मनों का सफाया कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। भारत लगातार इन तरह की बातों से हमेशा अपना हाथ होने से इनकार करता आया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर कनाडा, भारत के दुश्मन एक एक करके ठोके जा रहे हैं। हमारे जो अज्ञात बंदूकधारी हैं उनका आतंक बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हमारा मित्र पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो चारों तरफ से मार खा रहा है। यहाँ तो उसकी टीम आई हुई है दुश्मन मुल्क में, और उधर जो अज्ञात बंदूकधारी है वो एक के बाद एक उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दाऊद मलिक का भी कुछ अज्ञात लोगों ने जो है वो उसको मौत के घाट उतारने का काम कर दिया है। दाऊद मलिक की यदि हम बात करें तो ये मौलाना मसूद अजहर का बेहद करीबी माना जाता था। जो मौलाना मसूद अजहर की कोर टीम है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, कहाँ कहाँ पर हमले करवाने, भारत में कहाँ कहाँ पर क्या करना है, उन सब चीज़ों में उसका बहुत था। बहुत भारतीयों के खून के हाथ जो है इसके रंगे हैं, भारतीय खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। अभी भी जिस तरह से हाफिज़ सईद, मौलाना ये जो है मसूद अजहर, इन सब के करीबियों को जिस तरीके से निपटाया जा रहा है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक इनकी जो गैंग है सब इस समय हिले हुए हैं। चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे उसके लिए कदम काम करने वाला कोई छोटा मोटा आतंकी हो, सब हिले हुए हैं ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो जाए, कहीं अचानक से कुछ लोग अज्ञात लोग आए और हमको निपटा ना दे, कहीं अचानक से कोई आए हमको निपटा ना दे। नवाज शरीफ का भी कुछ देखिए आप, वेलकम जब हुआ, जब नवाज शरीफ आया तभी ये कांड भी हो गया पाकिस्तान के अंदर। हाँ लेविन, आपको बताना चाहेंगे कि कल पाकिस्तान के वजीरिस्तान में जो सबसे इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है मौलाना मसूद, उसका जो सबसे करीबी है दाऊद मलिक, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और सूत्रों के मुताबिक नकाबपोश हथियारे आए थे और दाऊद मलिक को ताबड़तोड़ उस पर गोलियां बरसाई हैं, जिस पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में इस तरह की हत्याएँ हो रही हैं, जो 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 और सूत्रों को माने की टारगेट किलिंग की जा रही। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में इसे मार गिराया। पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट कहती है कि दाऊद मलिक को अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मारा है। हालांकि डॉन ने यह नहीं बताया कि यह वही दाऊद है जो लश्करे जब्बार के संस्थापक सदस्यों में से एक था और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का वो करीबी सहयोगी था, कि यह वही आतंकी है जो भारत में आतंकी हमले की साजिश में शामिल रहा है। डॉन की खबर कहती है कि पाकिस्तानी पुलिस ने बताया है कि शुक्रवार सुबह उत्तरी वजीरिस्तान स्थित आदिवासी जिले के मिराली इलाके में अज्ञात नकाबपोश लोगों द्वारा एक टारगेटेड अटैक में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि मृतक व्यक्ति का नाम मलिक दाऊद खान है, जिसको एक निजी क्लिनिक में नकाबपोश लोगों ने निशाना बनाया, जहां भारत विरोधी कई आतंकी अपने ही घर में मारे जा चुके हैं। इसके पहले भी भारत का एक और दुश्मन और जैशे मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर शाहिद लतीफ भी मारा गया। उस पर पठानकोट में सेना पर आतंकवादी हमले की साजिश रचने का आरोप था। इसके पहले भी ऐसे ही कई भारत के दुश्मन दूसरी जगहों पर ठोके गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत के दुश्मनों को कौन मार रहा है। जो चलाते हैं जैश ए मोहम्मद, अब हमारे दाऊद मलिक साहब, कुछ उनको नाम मालिक दाऊद कहते हैं, वो भी मारे गए और मारे भी कहाँ गए, बताते हैं कि साहब की वजीरिस्तान में मारे गए। अब वजीरिस्तान तो आप जानते हैं वह पश्तूनों का गढ़ है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो शहीद लतीफ मारे गए थे, उसके पहले ज़ियाउर रहमान साहब मारे गए थे, और ज़ियाउर रहमान साहब से पहले मुल्ला बहौर मारे गए थे बलूचिस्तान में। ये मुल्ला बहौर कौन थे? ये मुल्ला बहौर थे वो जिन्होंने आपके कुलभूषण जाधव को अपहरण करके ईरान से और ISI को सौंपा था। सैयद नूर शालोबार ये भी पेशावर में, और निज्जर साहब को तो भाई हमारे टर्डो साहब खुद ही कह रहे हैं। उसके बाद सुखा दोनों के, वो भी कनाडा वाले हैं। फिर वो उसके बाद आपको पता है कि
आसिफ मिस्त्री, कलीमुद्दीन सईद जी, कलीमुद्दीन सईद हाफिज सईद के बड़े भाई साहब, या सॉरी बड़े साहबजादे। इन दिनों पाकिस्तान में एक बार फिर से अज्ञात हमलावरों की चर्चा तेज हो गई है। हम ये अज्ञात हमलावर कौन है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काम ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कौन कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करनी है ये डिसाइड करते थे, कहाँ की लड़कियां कहाँ भेजनी है ये डिसाइड करते थे, कहाँ से वेपन्स का कार्टल आएगा ये डिसाइड करते थे, भारत में कहाँ हमला होना है ये डिसाइड करते थे। उनका वो जिगरी दोस्त, बहुत ही चट्टी बट्टी हमजूलिया यार, जिसका नाम है दाऊद मलिक, आज उनको 72 करोड़ के पास पहुंचा दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आला ताला आला ताला। आज उनको अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला, पीट डाला और निपटा डाला। उसकी फोटो दिखाना चाहूंगी क्योंकि बहुत रेयर फोटो मिली है उनकी, कि किस तरीके से गोलियां लगने के बाद वो धराशायी हुई। अब मैं बस यही जानना चाह रही थी कि जब वो जन्नत जाएंगे तो वहां पर जन्नत में जो 72 हो रहे थे उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। इन दिनों पाकिस्तान में एक बार फिर से अज्ञात हमलावरों की चर्चा तेज हो गई है। अब ये अज्ञात हमलावर कौन है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काम ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये जो भारत के दुश्मन है पाकिस्तान की धरती पर, जो पाकिस्तान में रहकर भारत पर हमले कर रहे थे, भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, ऐसे दुश्मनों को कुछ अज्ञात लोग लगातार मार रहे हैं। और निशाना भी ऐसा होता है कि बस सटीक निशाना लगता है और वो ढेर हो जाता है। अरे भारत को अपने आप में सरेंडर हो जाएगा सब कुछ। खुद पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई का एक धड़ा, आर्मी का एक धड़ा, सरकार का धड़ा बिक जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में कोई बड़ा धड़ा आईएसआई का खरीद लिया है, और ये जितने भी लोग टपकाए जा रहे हैं सर, ये अनुपयोगी बन चुके थे। और इंटरनेशनल ऐसी कंपल्शन आ गई हैं पाकिस्तान पे कि उनको अपने पिछवाड़े की सफाई करना बहुत जरूरी हो गया। क्या फायदा यहां रहने का, वहां जाना चाहिए ना, 72 हुरों के पास में, जन्नत में, जहां पर खुद आला ताला माशाल्लाह वो अंगूर का रस पिलाएंगे एकदम नवाबी स्टाइल में। तो यहां क्यों रहना यार, इन लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए ना, क्या थमना वर्ग को फालतू में रोना धोना बचा रखा है आईएसआई ने। रोज रॉ की साजिश सोशल मीडिया पे नैरेटिव शुरू कर रहे हैं, पक गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, हम इतना नेक काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हो, आई मीन आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को, जिसके पास भी भेज रहे हैं थैंक यू की बोलने की बजाय खौफ का माहौल आ गया। अब वो मसूद अजहर को ही ले लो, देखो दो वर्जन है मसूद अजहर पर। पहला है कि वो ऑलरेडी 72 हुरों की गोद में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहां से स्ट्रेट कॉल आया था आईएसआई को कि हम भाई यहाँ पर बहुत मजे से हैं, दो चार को और भेज दो। तो उसी की आई थिंक उसी अभियान के चलते दाऊद मलिक और पीछे भी अभी शाहिद लतीफ को भी भेजा गया था, राइट। तो जब कहा जा रहा है मसूद अजहर ऑलरेडी ऊपर पहुंचे हुए हैं, पर एक दूसरा वर्जन है कि उनको ऑफिशियली जिंदा रखा गया है। एक और भारत विरोधी मसूद अजहर का, मौलाना मसूद अजहर का बेहद करीबी दाऊद मलिक, पाकिस्तान के अंदर अज्ञात लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। अब भारत के अंदर कई सारे हमले कराने में, भारत के अंदर कई सारी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में, भारत के अंदर बहुत कुछ कराने में इस व्यक्ति का सीधा हाथ था। और मसूद अजहर ने जितने भी काम करें उसको जो है ये ऑन ग्राउंड प्लानिंग और उसकी पूरी रचना बनाने का काम, प्लानिंग करने का काम यही व्यक्ति करता था, ऐसा माना जाता, उसकी कोर टीम का हिस्सा था। अब जिस तरह से पाकिस्तान में एक एक करके लोगों को निपटाया जा रहा है, ये तो बात समझ में आती है कि जो अज्ञात लोग हैं फौज से मजबूत होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फौज का नेटवर्क फेल हो रहा है, और अच्छा है जितना ऐसा हो। दूसरी चीज़ ये है, नवाज शरीफ का शायद इस तरह से वेलकम किया गया है। नवाज शरीफ का शायद जैसे ही नवाज शरीफ आता है जिस दिन, उसी दिन ये सब काम हो जाते हैं, उसी दिन ऐसी खबर जो है वो सामने आ जाती है। अब हमें देखना पड़ेगा जिस तरह से एक तरफ मौलाना मसूद अजहर और एक तरफ जैसे और भी कई सारे जो लोग हैं, कई सारे बड़े बड़े अपराधी हैं जैसे हाफिज सईद हो गया, इनके करीबियों को एक 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 करके निपटाया जा रहा है। और इस समय मैंने आपसे पहले भी जब हाफिज सईद का जो करीबी क्या उसका मक्की जब मारा गया, तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि इस समय जितने आतंकवादी हैं, खास तौर पर जिनको ये बात पता है कि उनके हाथों किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई ऐसा हरकत हुई है इतिहास में जिसकी वजह से भारत के अंदर कोई सिचुएशन हुई, भारत के अंदर कुछ आतंकवादी गतिविधि कुछ भी हुआ, वो इस समय बेचारे चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं।
और कैसे स्वयं को हर समय डर सता रहा है कि कहीं से आके अचानक से अजीत डोवाल के कुछ लोग आएंगे और हमको निपटा देंगे, कहीं से आकर के हमको अमेरिका के कोई लोग आएंगे निपटा देंगे, या फिर कुछ भी नहीं तो जो उनके राइवल गैंग के, जो उनके विरोधी गैंग के लोग हैं, कहीं वही पैसा लेके, बिना पैसा लेके, ऐसे कुछ भी करके, अलग अलग कारणों से, या सिर्फ अपना बदला निकालने के लिए किसी भी कारण से वही कहीं इनको ना निपटा दे, या उससे भी बड़ी बात जो है, जो कि पूरा पूरा इतिहास रहा है, इनके पूरी कम्युनिटी का इतिहास रहा है, नहीं इनका कोई खुद का करीबी ही मदद लेकर के बाहर से इनको ना निपटा दे। बहुत आजकल सबके सब खौफ में जी रहे हैं पूरी तरह से।